श्रीमती राम सुमरन देवी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं कल्याणम करोती के बैनर तले छठीकरा वृंदावन मार्ग स्थित ओमेक सिटी के प्रांगण में हिंदू सर्व जातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब परिवारों के 108 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। संस्था की ओर से वर वधु को गृहस्थ जीवन के लिए जरूरी सामान उपहार स्वरूप भेंट किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने आए आरएसएस के सर सह कार्यवाहक डॉ कृष्ण गोपाल, ब्रज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र के अलावा संत महंतों ने वर वधु को आशीर्वाद देकर उनके सुखमय जीवन की कामना की। इस संबंध में संस्था के मनोज अग्रवाल ने जानकारी दी। 108 जोड़ों का आज शादी संपन्न हो रही है और ये सिलसिला जो है आज पूरा हुआ है। 4-6 महीने की मेहनत से 108 गांव ब्रज के जो हैं उनमें से इन गरीब परिवारों को छाट कर इनका रजिस्ट्रेशन करा के, और जिसमें 5 तारीख को इनका लगन टीका कराया गया और आज शादी विवाह हो रहा है। इस उपलक्ष्य में उनके परिवार के लोग आए हुए हैं, हमारे परिवार के लोग आए हुए हैं, 3-4 हज़ार लोग यहाँ इकट्ठे हैं। सबका यहाँ पर भोजन और सबका यहाँ पर आनंद का कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों ने आके हमको अनुग्रहित किया है, हमको आनंदित किया है। हमारी 25वीं वर्षगांठ पर इतना बढ़िया, इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम इन सब ने दिया है। हम इन सबके अनुग्रहित हैं और इन लोगों ने हम पर अनुकंपा की है कि हमारी भेंट स्वीकार की है। हम इन सबसे आनंदित हुए हैं, हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। 25वीं वर्षगांठ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि कोई किसी तरीके से सेलिब्रेट करता है, लेकिन आपने गरीब परिवारों के साथ ये जश्न मनाया है और उसमें भी 108 बेटियों की शादी आप करवा रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये सब ठाकुर जी की प्रेरणा है। ठाकुर जी ये इस तरह की प्रेरणा देता है कि जो आनंद का जो ठाकुर है वो सबको आनंद बांटे, और उसी कारण से हम लोग ठाकुर के भक्त हैं। तो हम लोगों ने सबको आनंदित करने के लिए ये सोचा, जिससे कि हम भी आनंदित हों और वो भी आनंदित हों, उनका जीवन आनंदित हो, उनके जीवन में एक नई खुशी आए। इस खुशी को देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है और हम लोग भी बड़े उत्साहित हो रहे हैं। इसकी पूर्व संध्या पर हम लोगों ने यहाँ पर माधव बैंड बुला के मुंबई से हरे कृष्णा हरे रामा का बहुत बड़ा भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया, जिसमें सबने नृत्य किया, आनंद लिया और आज सब विवाह संपन्न हो रहा है। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकती इस 25वीं पर।